हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल स्टडी। आपका गूगल स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ लॉस और प्रॉफिट के क्वेश्चन करेंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप और इंडियन नेवी AA और SSR में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इन क्वेश्चनों को ट्रिक की सहायता से करेंगे और बहुत ही कम समय में। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 45 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है, 10% हानि होती है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट ट्रिक है। ठीक है, जो हमारे पास अमाउंट दिया होगा, यहाँ पे 45 रुपीज़ है। ठीक है, 45 लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, जो हमें बाद में परसेंटेज दी होगी प्रॉफिट की है चाहे लॉस की है। ठीक है, तो हमें उसको ऊपर लिखना है 100 में प्लस करके। ठीक है, तो 120 और जो हमारी पीछे हानि है, ठीक है, जो फर्स्ट वाला परसेंटेज है उसको हमें नीचे लिखना है 100 में माइनस करके। ठीक है, तो 100 माइनस 10 90 आ गया। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, इसको हमने काटा। ठीक है, तो हमारा 60 के इक्वल आया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, एक सामान को 1120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसको कितने रुपये का बेचा जाए ताकि 40% लाभ हो। ठीक है, यह भी उसी तरह होगा। ठीक है, पहले हम 1120 अमाउंट जो हमारे पास दिया हुआ है उसको हमने ऐसे लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाइड विद, मैंने क्या बोला था, जो दूसरे वाला परसेंटेज होता है हमें यहाँ पे लाभ दिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमें इस केस में भी वही करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जो दूसरे वाला परसेंटेज है उसमें 100 में ऐड करना है। ठीक है, 140 आ गया। ठीक है, और 140 और अपॉन जो दूसरे वाला होता है, जो फर्स्ट वाला 100 में से माइनस करना होता है, तो 80। ठीक है, इसको हमने काटा। ठीक है, तो ये हमारा 280 इंटू 7 1960। ठीक है, तो इसके इक्वल आया। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, लगा पता, बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न वाई ग्रुप में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, 24। ठीक है, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 24, सेलिंग प्राइस 18। ठीक है, इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100%। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने इसको कैंसिल आउट किया, ये हमारा 1.3 इंटू 100%। ठीक है, तो 100/3% इसको हमने डिवाइड किया तो 1/3%। ठीक है, परसेंट। ठीक है, ये हमारे पास आया और हमारा फोर्थ पार्ट हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे दिया होता कि हानि प्रतिशत ज्ञात करें तो हमें कुछ नहीं करना था, ओनली हमें यहाँ पर 1/3% लाभ है तो हम यहाँ पे, अगर हमारे पास ये होता तो हमारे पास ये नेगेटिव मैटर मानी थी, अगर हमें हानि होती तो हमें उतना परसेंट हानि हो जाती। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।